कलेक्टर वीडी कल्ला ने जिला कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रशासन गांवों के संघ प्रशासन शहरों के संघ अभियान को लेकर अब तक की तैयारियों 20 सूत्री कार्यक्रम फ्लैगशिप योजनाओं इत्यादि को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रशासन गांवों के संघ अभियान और प्रशासन शहरों के संघ अभियान में लोगों को ये लगना चाहिए कि प्रशासन वास्तव में हमारी समस्याओं को हल करने आया है। इन अभियानों में खानापूर्ति नहीं करनी है। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रशासन गांव के संघ अभियान और प्रशासन शहरों के संघ अभियान के दौरान भूमिहीन लोगों को चिन्हित करें ताकि आने वाले 2.5 सालों में जिले में एक भी व्यक्ति बिना आवास के ना हो। अभियान के अंतर्गत लोगों को जाति मूल निवास पत्र OBC प्रमाण पत्र के साथ साथ राजस्व से संबंधित कार्यों के जरिए ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान करें। डॉक्टर कल्ला ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच, कोरोना सहायता योजना समेत विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आमजन को अधिक से अधिक देने के निर्देश दिए। नहरी पानी को लेकर जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर और SP हरियाणा और पंजाब के अपने क्वार्टर पार्ट से टच रहे ताकि हमें हमारे हक का पूरा पानी मिले, कभी भी कहीं भी पानी की चोरी नहीं हो। बैठक के बाद जिला प्रभारी मंत्री ने जनसुनवाई करते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर आमजन की परिवेदनाओं को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सिविल लाइन्स के 4 वार्ड और नई खुंजा के 5 वार्डों में हट्टी फैक्ट्री के बदबू से लोगों को हो रही परेशानी का मामला आने पर जिला प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्टर को फैक्ट्री दूसरी जगह हस्तांतरित करवाने के निर्देश दिए हैं। टाउन के पंजाबी मोहल्ले उपकरण जलने के मामले नियमानुसार मुआवजा देने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बैठक से पहले जिला प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई भी की थी। उसके घर से कोई फोन आया कि आपका बच्चा सफरी पी गया, तो वो 3 साल में फिर वो चले गए और मैंने बार बार इनसे रिक्वेस्ट आपकी बुक में प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गाँव के संग उस पुस्तक को सारे अधिकारी अपने अपने कार्य को पढ़ लें और पढ़कर उसको 100% इम्प्लीमेंट करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ये चाहते हैं कि लोगों को लगे कि प्रशासन हमारे गांव में आया है। जल जीवन मिशन में जो गांव की समितियां बनी हुई हैं, जाने ही बनी है उनको बनाए और जो समितियां बन गई है उनके फायदे फरमाए। इसके अलावा जल जीवन मिशन में उनका जो सहयोग 10% लेना है वो कैश और टाइम दोनों में से जो भी वो देना चाहें उस हिसाब से किलोमीटर एरिया कोई एक दूसरे में टारगेट दे सर।